मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। जानकारी देंगे, अगर आपकी कुंभ लग्न है या आपकी कुंभ राशि है तो 1 से 31 मार्च में किस प्रकार के आपके दुख समाप्त होंगे और किस प्रकार से मार्च के महीने की आप लकी राशि बनने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह जो राशिफल है या आप अपने लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों के आधार पर देख सकते हो। अगर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है, आपको पता ही नहीं है कि आपकी लग्न क्या है या आपकी चंद्र राशि क्या है, तो ऐसे में प्रचलित नाम के अनुसार भी इस फलादेश को आप समझ सकते हो। कंफ्यूज मत होइएगा, मान लिया आपकी कुंभ लग्न है और राशि कोई और है, तो ऐसे में आप जो है लग्न का वीडियो देख लीजिएगा और राशि का वीडियो देख लीजिएगा, दोनों में फल बढ़िया बताया गया है तो रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। एक में अच्छा एक में खराब बताया गया है तो रिजल्ट आपको 50-50 मिलने वाला है। इसके अलावा जिन लोगों के पास कुछ भी नहीं है वो लोग अपने प्रचलित नाम के अनुसार इस फलादेश को समझे। आपकी कुंडली में लग्नेश, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, समयस्थ चल रहे हैं जो कि 17 मार्च को उदित अवस्था में हो जाएंगे। लग्न और लग्नेश जब पीड़ित हो जाए बुरी तरीके से, तो ऐसे में सबसे पहला जो दुष्प्रभाव पड़ता है वो पड़ता है स्वास्थ्य पर। व्यक्ति का स्वास्थ्य उतार चढ़ाव बनाने लगता है, डगमगाने लगता है। और दूसरी चीज, जब स्वास्थ्य खराब होता है तो इरिटेशन, बेचैनी, सही डिसीजन न ले पाना, अनावश्यक गुस्सा आना, इस प्रकार की समस्या जातक हो या जातिका उसको फेस करनी पड़ती है। पहली खुशखबरी तो ये है कि 17 मार्च को आपके लग्नेश उदित हो जाएंगे और 15 मार्च को ये पीड़ा से बाहर आ जाएंगे। जैसे ही ये पीड़ा से बाहर आएंगे तो कम से कम आप जो कुछ भी काम करोगे, छोटा या बड़ा, फ्रेश माइंड से कर पाओगे। जिन लोगों का स्वास्थ्य गड़बड़ चल रहा है उनका स्वास्थ्य धीरे धीरे अच्छा होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा आपकी कुंडली में बुध देवता जो पंचम के मालिक हैं, ये अस्त चल रहे थे, ये 7 मार्च को उदित हो जाएंगे। ये भी प्रबल कारक आपके कुंडली में बन जाते हैं। और सबसे बड़े कारक शुक्र देवता, ये भी आपके लग्न में शनि देवता के साथ 7 तारीख को, 7 मार्च को बैठ जाएंगे। यानी कि लग्न पर 7 तारीख से शनि, शुक्र और सूर्य की युति होगी। और जैसे ही सूर्य 14 तारीख को आगे आपके धन भाव पे प्रवेश कर जाएंगे, वैसे ही मंगल राशि परिवर्तन करके आपके लग्न में आ जाएंगे। तब शनि, मंगल और शुक्र की युति आपके लग्न पर बन जाएगी। यानी कि 3 ग्रहों की युति आपके लग्न पर रहेगी। मंगल आपके कर्म के मालिक हैं, शुक्र आपके भाग्येश हैं और लग्नेश तो मान लिया आपके मुख्य ग्रह शनि तो है ही। तो सबसे पहला जो प्रॉफिट मिलेगा मंगल के परिवर्तन करते ही, वो मिलेगा नौकरी और व्यापार करने वालों को। नौकरी में उतार चढ़ाव यदि चल रही है तो वह समस्या दूर होगी। व्यापार अगर थोड़ा कमजोर अवस्था में चल रहा था तो व्यापार में आपको सुधार आता हुआ दिखाई पड़ेगा। यानी कि नौकरी भी बढ़िया चलेगी, व्यापार भी बढ़िया चलेगा। और 15 मार्च से जैसे ही मंगल देवता आपके बैठेंगे लग्न पर, तो जिनके पास नौकरी नहीं है तो 15 मार्च से नई जॉब अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी। आपको नए ऑप्शन देखने को मिल सकते हैं। उस समय यदि आप प्रयास करोगे तो नौकरी भी आपको मिल जाएगी। क्योंकि इधर कर्मेश, लग्नेश और भाग्येश की युति लग्न में बनेगी तो कर्म बढ़ेगा, दैवी कृपा बढ़ेगी, यानी कि भाग्य जबरदस्त तरीके से आपका बढ़ेगा। लग्न बढ़ेगा अर्थात व्यक्तित्व बढ़ेगा, जो डिसीजन लेना चाहते हो और जो लोगे वो ज्यादातर सही साबित होंगे। थोड़ा सावधानी इतनी जरूर रखनी होगी जब लग्न पर मंगल बैठेगा कि कोई भी काम करना तो थोड़ा सोच समझ के करना, क्विक डिसीजन मत ले बैठना। क्योंकि जो गड़बड़ करोगे वो अपने कोई डिसीजन के चलते ही गड़बड़ करोगे। बाकी यहाँ पर त्रिग्रही जो युति बनने जा रही है आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रिजल्ट लेकर के आने वाली।
इसके अलावा जो प्रेमी जोड़े हैं उनका प्यार बढ़िया तरीके से चलता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि बुद्धि का मालिक भी अस्तावस्था से बाहर आ गया है। नौमेश भी बढ़िया शानदार जगह पर प्लेसमेंट बना करके बैठे हैं, तो प्रेम में सफलता मिलना, विद्यार्थियों को जबरदस्त तरीके से फायदा मिलना, करियर में उनके उछाल आना, पढ़ाई में यदि मन नहीं लग रहा था तो धीरे धीरे यहाँ से मन लगना शुरू हो जाएगा। और अगर आप विवाहित हो तो भैया यहाँ पर दिक्कत नजर आ रही है, और दिक्कत काफी ज्यादा नजर आ रही है। आधा महीना तो ठीक है विवाहित जोड़ों के लिए 15 तारीख तक, लेकिन 15 तारीख के बाद जो स्थिति है वो पति पत्नी में मतभेद वाली बनने जा रही है। इसके प्रति निश्चित तौर पे आपको भैया सावधानी बरतनी होगी, अन्यथा वैचारिक मतभेद भी होगा। और अगर पहले से लड़ाई झगड़ा चल रहा है तो 15 मार्च के बाद वो बढ़ता हुआ भी आपको दिखाई पड़ेगा। इसका उपाय भी मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा ये भी बता दूं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को भैया लाइक कर देना, नहीं समझ में आ रहा है कमेंट क्या करें तो अपने इष्ट देवता का नाम लिख देना। इसके बाद जो लोग यात्रा करना चाहते हैं आने वाला समय उनके लिए बढ़िया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, यात्राओं से आपको ठीक ठाक मात्रा में समुचित मात्रा में लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। देश विदेश जाना चाहते हो जा सकते हो, कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। एक विशेष रूप से सावधानी जरूर बरतना शादीशुदा जिंदगी वालों कि भैया आपके कुंडली में सप्तमेश बन जाते हैं सूर्य देवता, सूर्य की युति राहु के साथ आपके वाणी स्थान पर 14 तारीख से बन जाए, और जब सूर्य और राहु का कॉम्बिनेशन होगा तो एक तो एक वैवाहिक जीवन आपका उथल पुथल करने लगेगा, उधर मंगली योग भी बनेगा, उधर वाणी दोष बहुत ज्यादा मात्रा में रहेगा। तो वाणी संभल करके अगर प्रयोग नहीं करोगे तो वैवाहिक जीवन में भी दिक्कत कर लोगे, और कहीं ना कहीं वैचारिक मतभेद भी परिवार में आप अपने हाथों से कर लोगे, तो इसके प्रति आपको सतर्कता बरतने की जरूरत है। अगर ऐसी कोई समस्या आपको नजर आती है, आपको लग रहा है वैवाहिक जीवन डगमगा रहा है, तो सूर्य देवता के सामने खड़े होकर के जितने बजे भी सो करके उठ जाते हो, जरूरी नहीं कि 3 बजे रात को उठ जाओ, 4 बजे जब भी उठते हो ओम आदित्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, सूर्य देवता के सामने खड़े होकर के जप कर लेना, आपकी समस्या दूर हो जाएगी। इसके बाद अगर बताएं धन की स्थिति कैसी है, तो इस महीने की लकी राशि मैंने 2 ही वजहों से लिखी थी कि क्योंकि आर्थिक स्थिति कुंभ वालों की इस मार्च के महीने में बहुत मजबूत रहने वाली है। दूसरी वजह यह थी लग्न और लग्नेश क्रिया से बाहर आ जाएगा तो निश्चित तौर पे और भी ज्यादा सुख समृद्धि प्राप्त होने के योग दिखाई पड़ रहे हैं, तो आमदनी आपकी अच्छे तरीके से होती भी रहेगी, और वहीं पर धन बचाने में भी आप सक्षम रहोगे। थोड़ा उपाय करिएगा, ओम संगशनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करना इस मार्च के महीने में सभी कुंभ लग्न और कुंभ राशि वालों के लिए जबरदस्त उपाय रहेगा। और वैवाहिक जीवन का उपाय मैंने बता ही दिया, ये आप उपाय करिएगा, सभी कामों में आप विजयी होगे, सभी काम सुगमता से आपके बनते चले जाएंगे। कल मिलेंगे, मैं त्रिपाठी को नमस्कार दीजिए। नमस्कार।